डियर फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। पहले भी हम लोगों ने कई विषयों पर चर्चा की है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो कि पेट ऑनर्स के लिए बहुत ही मार्गदर्शक होगा। आप सभी जानते हैं टिक्स एंड फ्लीज इन्फेस्टेशन पेट्स के लिए एक न्यूसेंस है और कई सालों से पेट प्रैक्टिस को परेशान करता रहा है। पिछले 25 सालों में कई बदलाव आए हैं, कई तरह के एकेरिसाइड, कई तरह के इंसेक्टिसाइड खोजे गए हैं और तरह तरह के एकेरिसाइडों के बाद भी टिक्स को कंट्रोल कर पाना, फ्लीज को कंट्रोल कर पाना पेट्स के लिए और पेट ऑनर के लिए भी मुश्किल साबित होता है। अगर यूं कह लें कि अब तक कितनी मेडिसिन उपलब्ध है जो इसके लिए परफेक्ट कोई सॉल्यूशन हो तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। आज तक जितना भी एडवांसमेंट हुआ है काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसे ओवरकम करने की कोशिश की है और हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए तमाम तरह की अलग अलग दवाएं मार्केट में आई हैं, रिसर्चर्स ने बनाई हैं, बट क्या सभी दवाएं किस लेवल में काम करती हैं इस विषय पर चर्चा करना अति आवश्यक है। इसलिए मैं आज आप सबके साथ ये वीडियो लेके आया हूँ और एक क्लासेस लेके आया हूँ जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी दवा है और उसका इफ़ेक्ट कितना है, किस तरह की दवाएँ कब इस्तेमाल करनी हैं, कौन सी दवा कितने दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है, कौन सी दवा किस तरह से इस्तेमाल की जानी चाहिए और किस कम्बिनेशन का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पुराना ओल्ड इज गोल्ड जिसे कहते हैं, जो पुराने एकेरिसाइड्स हैं वो कार्बामेट्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं, पायरेथ्रिन्स हैं, पायरेथ्रॉइड्स हैं। तो आज से कुछ साल पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ इन्हीं का ऑप्शन था, ये दवाएं ही मार्केट में उपलब्ध थीं, या तो वो लिक्विड फॉर्म में थीं या किसी शैम्पू या सोप के रूप में थीं। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं जो टिक्स एंड फ्ली कंट्रोल के एजेंट माने जाते हैं, बट इनका अब इस्तेमाल लगभग ना के बराबर है। इनमें से अगर आप देखेंगे तो पैराथायरॉइड्स में से एक परमेथ्रिन एक कंपाउंड रह गया है जिसको हम लोग अभी भी तरह तरह के कम्बिनेशन में मार्केट में उपलब्ध पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये जो पुराने कार्बामेट्स और ये जो मेडिसिन्स थे जैसे बिटॉक्स हो गया, आपको टिक्किल है, साइपरमेथ्रिन यहाँ क्लीनर पेट में आता है, ये क्या काम नहीं करते हैं, इफ़ेक्टिव नहीं रहे हैं? देखिए जहाँ तक इफ़ेक्टिवनेस की बात है, इफ़ेक्टिवनेस दो तरह से हो सकता है। एक इफ़ेक्टिव उसे कहते हैं कि अगर आपके पेट ऑनर है और आपके कैट या डॉग में टिक इन्फेस्टेशन है और आपने ये शैम्पू लगाया या ये साबुन लगाया या ये लिक्विड लगाया, उसके बाद उसके टिक्स मरते हैं या गायब होते हैं या नहीं? अगर वो मरते हैं तो इसको ये भी इफेक्टिव कहते हैं, लेकिन उसकी परसिस्टेंसी क्या है, कितने दिनों तक वो काम करता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने लगाया उस समय टिक्स कंट्रोल हो गए और फिर 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद फिर उसके बॉडी पे टिक्स आ जाते हैं तो ये पेट ऑनर को कभी भी जस्टिफाइबल नहीं है। पेट ऑनर चाहता है कि हमेशा ही मेरा डॉग टिक फ्री रहे, तो इसके लिए तमाम तरह के खोजों की ज़रूरत पड़ी। इसलिए ये जो साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और आप कह सकते हैं जो अलग अलग कार्बामेट्स थे पहले यूज किए जाते थे, इनका इस्तेमाल लगभग ना के बराबर है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं है, इन्हें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी परसिस्टेंसी नहीं है। ये इफ़ेक्टिव हैं बट ये परसिस्टेंट इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। तो क्या और भी कुछ हैं इसके अलावे? इसको अगर देखेंगे तो एक उसके बाद एक प्रोडक्ट आया जिसे हम लोग कहते हैं अमित्राज। अमित्राज फॉर्मामिडीन कंपाउंड है और इसका लिथल इफेक्ट मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज इंजाइम जो होता है या माओ इंजाइम जो होता है उस पर करता है। और इसको अगर अमित्राज को हम लोग बात करें
तो ये स्पेसिफिकली एकेरिसाइड है, ये इंसेक्टिसाइड की तरह इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि इसकी जो इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी है वो पुअर है। पुअर का मतलब है एकेरिसाइड और इंसेक्टिसाइड में अंतर ये है कि एकेरिसाइड उन्हें कहते हैं जो एकरीना ग्रुप के यानी टिक्स ग्रुप के जो एक्टोपेरासाइट्स हैं उन पे ये काम करता है, लेकिन वहीं पे अगर आप बात करें कि फ्लाइज और फ्लीज और जो इंसेक्ट्स होते हैं फ्लीज जो है उन पे ये काम करता है तो इसका इफेक्ट नहीं है। अगर आप बात करेंगे तो अमितराज का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था ये स्पाइडर्स जो होते हैं प्लांट्स में उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको किया गया था। इसके प्रिपरेशन की अगर बात करें हम लोग तो कई फॉर्म में आता है, 12.5% भी आता है और ये 5% प्रिपरेशन में भी आता है। यहाँ देखेंगे कि एक 12.5% का प्रिपरेशन है, यहाँ भी 12.5% का प्रिपरेशन है। डिफरेंट कंपनियाँ हैं, डिफरेंट नाम से बनाती हैं, लेकिन अगर आप प्राइस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर यहाँ पे आपको 50 ml विरवेक कंपनी वितराज अगर 100 रुपये की बनाती है तो वहीं सेम कंपोजिशन का, सेम क्वांटिटी का, सेम इफेक्ट का रिड आपको लगभग 3 से 4 गुने ज़्यादा प्राइस में मिलता है। तो आपको जज करना है कि कौन सा इकोनॉमिकली इक्वली इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि रिड में कोई स्पेशल है और अमितराज और टैक्टिक में कुछ अलग डाला है। यहाँ भी 12.5% अमितराज है, यहाँ भी 12.5% अमितराज है, बस पैकिंग का डिफरेंस है। लेकिन ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ क्लेम करती हैं कि ये जो अमितराज है ये टिक्स के लिए इफेक्टिव है, बट अगर आपके डॉग को या आप कैट को ये सोचते हैं कि फ्ली इन्फेस्टेशन है उसमें अमितराज काम करेगा तो वहाँ ये काम नहीं करने वाला है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं, ये मेनली जो अमितराज है डेमोडेक्टिक मेंज के लिए रिजर्व किया जाता है और इसको वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कुछ भी बनाती हैं, यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि इसने फ्लाई का भी फोटो लगा रखा है, तो ऐसा नहीं है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये जो कंपनी है इसको कोई मतलब नहीं है, जो मन में आया सो फोटो लगा देना है, तो ऐसे नहीं चलता है। आपको ओनर को, डॉक्टर को, वेट्स को बरगलाना नहीं है, आपको बताना है कि आपकी दवाई कहाँ इफेक्टिव है। अगर ये इंसेक्ट्स के लिए पूरे इफेक्टिव है तो आपको इंसेक्टिसाइड के लिए इसे इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड नहीं करना है, यानी कि ये फ्लीज कंट्रोल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके साथ भी वही बात है, परसिस्टेंसी इस प्रोडक्ट के साथ नहीं है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में लगाते हैं या इसका सॉल्यूशन बना के लगाते हैं, जैसे 3 ml या 4 ml आप मेंज के लिए 1 लीटर पानी में डालते हैं, इसी तरह से 2 ml 1 लीटर वाटर में डाल करके टिक्स के लिए यूज किया जाता है, तो कितने दिन तक काम करता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये परसिस्टेंसी बॉडी के अंदर रहेगी तो 7 दिनों तक ये काम करता है। इसलिए इस प्रोडक्ट को भी टिक्स एंड फ्लीज कंट्रोल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, टिक्स कंट्रोल के लिए भी रिलायबल नहीं माना जाता है। फिर कंपनियों के बाद एक प्रेशर आया कि अब क्या करें जिससे कम से कम लंबे पीरियड तक टिक्स से निजात पाया जा सके। अगर आप अमितराज की बात करेंगे तो कंपनियों ने कुछ और बनाया, उससे पहले हम देखेंगे कि कहां कहां अमितराज और यूज नहीं किया जा सकता है। ये अमितराज जो है इसका इस्तेमाल कभी भी प्रेग्नेंट पेट्स में, डॉग या कैट में नहीं यूज होता है। साथ ही साथ 3 मंथ से छोटे जो पपीज हैं उनमें भी अमितराज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या अगर आपका पेट पायोडर्मा के साथ है जिसमें ड्रेनिंग ट्रैक्ट्स हैं, ओपन वुंड है, वहाँ पे भी आपको अमितराज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से एक स्पेशल ब्रीड है जिसे हम लोग कहते हैं चिहुआ। चिहुआ ब्रीड में आपको अमितराज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसमें बहुत ही ज़बरदस्त साइड इफेक्ट आते हैं। तो इन जगहों पे आपको इसका अमितराज का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको जज करना है कि कहाँ इस्तेमाल करना है और किस लिए इस्तेमाल करना है। मैं कहूँगा कि अमितराज का इस्तेमाल आप सिर्फ डेमोडेक्टिक मेंज के लिए करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि कंपनीज के बाद परेशानियाँ थीं, तो उन लोगों ने सोचा कि ये 7 दिन तक ही काम करता है तो क्या किया जाए जिससे कि इस समस्या से निजात पाया जाए। तो फिर उन लोगों ने एक बैंड बनाया जिसे हम लोग प्रिवेंशन बैंड या नेक कॉलर कहते हैं। सबसे पहले ओल्ड अगर किसी बैंड की बात करें तो एक अमितराज का बैंड बनाया गया जिसे प्रिवेंटिक के नाम से जाना जाता है। इसमें भी अमितराज है
और ये प्रिवेंटिक जो है एक बैंड होता है, नेक बैंड होता है इस तरह से, और आप एनिमल को अगर पहना देते हैं तो लगभग 3 महीने तक प्रिवेंटिव जो है 3 महीने तक उसको टिक्स से निजात देता है। मैं टिक्स बार बार क्यों कह रहा हूँ कि अमित राज जिसमें रहेगा वो सिर्फ टिक्स से बचा सकता है, फ्लीज से बचाने की उसकी शक्ति या उस लेवल की क्षमता नहीं है, वो पुअर है इंसेक्टिसाइड, इसलिए टिक्स से वो लगभग 3 महीने तक इसके चलते प्रिवेंटिक से बचा सकता है। तो नेक कॉलर आप यूज कर सकते हैं, उससे आपको 3 महीने तक का प्रोटेक्शन मिलता है। अभी अमित राज टिक्स को ही मारता था, लेकिन समस्या तो टिक्स और फ्लीज दोनों को बचाने की है। तो इससे बचने के लिए अगर आप देखेंगे तो बेयर कंपनी ने किल्टिक्स नाम का एक बैंड बनाया जिसमें फ्लूमेथ्रीन और प्रोपोक्सर होता है, और ये फ्लूमेथ्रीन जो है ये टिक्स एज वेल एज फ्लीज दोनों पे काम करता है। और इसके ड्यूरेशन की अगर बात करें कि कितने दिनों तक ये कारगर है, तो ये भी लगभग 4 महीने तक टिक्स एंड फ्लीज को कंट्रोल करने में, 4 से 5 महीने तक कंपनी क्लेम करती है कि 5 महीने तक लगभग ये टिक्स को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है वो डिफरेंट है, अमित्राज नहीं, फ्लूमेथ्रीन और प्रोपोक्सर है। इसके बाद कंपनियों के पास हमेशा लगा रहता है कि हमने टिक्स एंड फ्लीज ही कंट्रोल किया है, तो फिर इसी कंपनी ने, बेयर ने सेरेस्टो नाम की नेक बैंड बनाई है, और ये जो सेरेस्टो है इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्लूमेथ्रीन विथ इमिडाक्लोप्राइड है, और ये फ्लूमेथ्रीन इमिडाक्लोप्राइड बहुत ही पोटेंट हो जाता है, और इमिडाक्लोप्राइड जो है एक पोटेंट फ्ली लार्विसाइडल भी है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और ये टिक्स एंड फ्लीज को लगभग 8 महीने तक कंट्रोल करके रखता है। तो 8 महीने तक का आपके पास जुगाड़ है अगर ये सेरेस्टो आप यूज करते हैं तो, बट इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, आपको इकोनॉमिकल कोई प्रोडक्ट लेना है तो दूसरे प्रोडक्ट के लिए सोचना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस्टली ज़्यादा है। ये कैट्स के साइज के अनुसार से और डॉग के साइज के अनुसार से मार्केट में उपलब्ध है, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी एक और ब्यूटी है कि ये वाटर रेसिस्टेंस है, तो इस वाटर के चलते भी इसमें डैमेजेज नहीं आते हैं और इसके इफेक्ट परसिस्टेंट रहते हैं इवन आफ्टर बैदिंग। तीसरी कंपनी जो है वो एस्कालिबोर बनाती है, MSD कंपनी बनाती है, इसमें अगर आप देखेंगे तो डेल्टा मेथ्रीन है। ये जो डेल्टा मेथ्रीन है ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, और इसकी जो डेल्टा मेथ्रीन जो एस्कालिबोर की कैपेसिटी है ये क्लेम करता है कि ये फ्लीज को भी मारता है, टिक्स को भी मारता है, साथ ही साथ ये मस्कीटोज एंड सैंड फ्लाइज को भी रिपेल करता है और मारता है। तो अगर आप मस्कीटो सैंड फ्लाई यानी कि लेस्मेनियसिस से भी निजात चाहते हैं, बचाव चाहते हैं, टिक्स एंड फ्लीज से भी बचाव चाहते हैं, तो आप इस एस्कालिबोर को यूज कर सकते हैं। और इसका, इस कंपनी का जो क्लेम है ये लगभग 6 महीने तक टिक्स से बचाव करता है और 4 महीने तक फ्लीज से प्रोटेक्ट करके आपके पेट को रखता है, यानी कि 4 से 6 महीने का यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन ये जब भी यूज करना है, आप सेंसिटिव एरिया में अपने पेट को ले जाना चाहते हैं, तो 2 वीक्स बिफोर उस एरिया में जाने से पहले आपको इसको ये बैंड पहनाना पड़ता है इसकी इफेक्टिव एफिकेसी के लिए। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो साइज के अनुसार से लार्ज और स्मॉल आता है, आपका जैसा पेट है उसके अकॉर्डिंगली आप ये नेक कॉलर यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि नेक कॉलर जो है डिफरेंट कंपोजिशन के साथ लगभग जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है वो आपको 8 महीने का सेरेस्टो से मिलता है, बाकी के नेक कॉलर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हैं, जिसे आप चाहें उसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नया एक कंपाउंड आया, पिछले 25 सालों में तमाम बदलाव आए हैं, कई तरह के कंपाउंड खोजे गए हैं और एकेरिसाइड पे काम करने की एफिकेसी आई है। एक कंपाउंड आया फिप्रोनिल, दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल पैराजोल इंसेक्टिसाइड और एकेरिसाइड इसे कहते हैं। ये भी गावा अमीनोबेटारिक एसिड, गावा जिसे कहते हैं, ग्लूटामेट गैलेट आयन चलन को अल्टर करता है। और अगर आप बात करें तो ये 2 फॉर्म में, बेसिक जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ फिप्रोनिल का, ये स्प्रे के फॉर्म में आता है, कई फॉर्म में आता है। अगर आप देखेंगे तो 100 ml का भी स्प्रे अवेलेबल है, 250 ml का भी स्प्रे अवेलेबल है मार्केट में। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल आप ये स्प्रे यूज कर सकते हैं। और फिप्रोनिल एक पोटेंट, अगर कहें तो एकेरिसाइड और
को मारने वाला इंसेक्टिसाइड भी है। अगर आप इसके डोज की, स्प्रे के डोज की बात करेंगे तो 3 ml पर पाउंड बॉडी वेट के अनुसार से इसे स्प्रे करना होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो डोज रेट है फिप्रोनील का, वो रिक्वायर्ड डोज रेट बेसिक कंसंट्रेशन है 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार से स्प्रे होना चाहिए। और या आप सिंपली कर लीजिए, जो भी फॉर्मुलेशन है, ये जो फॉर्मुलेशन आते हैं ये लगभग 0.25% के फॉर्मुलेशन है। जहाँ भी देखेंगे आप फिप्रोनील स्प्रे में, वो 0.25% का फॉर्मुलेशन है। 1 to 2 pumps एक पाउंड बॉडी वेट के लिए, यानी कि 2 to 4 pumps चाहिए 1 kg वजन के लिए अगर आपका पेट है तो, और इसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी वही समस्या है, इस स्प्रे के साथ इसकी परसिस्टेंसी नहीं है, ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं करता है, परसिस्ट नहीं करता है। तो फिर लोगों ने क्या किया कि इसको परसिस्टेंट बनाने के लिए स्पॉट ऑन फॉर्मुलेशन किया, और इस फिप्रोनील को इंसेक्टिसाइड ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ कंबाइन कर दिया ताकि उसका एडवान इफेक्ट मिले। अगर इंसेक्टिसाइड ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो मिथोप्रिम है, पायरीप्रोक्सीफेन है। इसके कई मार्केट में प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट बना था वो फिप्रोनील और एस्मिथोप्रिम के साथ कॉम्बिनेशन में बना था, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये 9.8% फिप्रोनील और 8.8% एस्मिथोप्रिम के कॉम्बिनेशन में आता है। और ये माना जाता है कि अगर जब से मिथोप्रिम यूज़ किया गया तो ये टिक्स एंड फ्लेज दोनों को कंट्रोल करता है, और इवन ये लंबे समय तक करता है, उनके डेवलपिंग स्टेज को भी मारता है। लेकिन आप ध्यान देने की बात ये है कि आप किस लिए यूज कर रहे हैं। अगर टिक्स कंट्रोल के लिए आपको इसको यूज करना है तो कहीं से भी ये प्रोडक्ट जो है माफ कीजिएगा, मैं कह रहा था कि अगर टिक्स एंड फ्लेज कंट्रोल के लिए अगर इस प्रोडक्ट को यूज करना है तो कहीं से भी ये प्रोडक्ट आपके कहाँ काम आना है। अगर टिक्स की बात करें तो आप लोग जानते हैं टिक्स का डेवलपिंग स्टेज जो होता है कभी भी एनिमल के बॉडी पे नहीं होता है, और अगर आप टिक्स कंट्रोल में एस्मिथोप्रिम और पायरीप्रोक्सीफेन का इस्तेमाल करके एडेड एडवांटेज चाहते हैं तो इसका कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि टिक्स जो अपने एग लेइंग करते हैं ये जाके क्रैक्स एंड क्रिवाइसिस में देते हैं और कॉर्नर में हाइड करते हैं, और डेवलपिंग स्टेज वहाँ से डेवलप होकर फिर एनिमल के बॉडी के ऊपर आते हैं। तो डेवलपिंग ये एस्मेथोप्रिम और पायरीप्रोक्सीफेन का बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज आपको टिक्स कंट्रोल के लिए तो नहीं मिलना है, लेकिन हाँ अगर आपने इसे कंबाइन किया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन होगा, फ्लीज में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब फ्लीज की भी बात करें तो फ्लीज जो है आपके पेट्स जो भी हैं उनके बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर ही अंडे अपने ले करते हैं, और वहाँ से फिर एग्स जो है शेड होते हैं बॉडी से वाइल वॉकिंग एंड वाइल शेकिंग देयर बॉडी, उस कंडीशन में शेड आउट हो जाते हैं और कारपेट के नीचे या सोफे के नीचे जा करके वहाँ कई स्टेजेस में वो रहते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर कोकून बनता है, फिर उससे एडल्ट निकलता है और फिर आपके पेट के ऊपर आता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो एस्मेथोप्रिम है ये डेवलपिंग स्टेज पे ही करना है, यानी कि एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा जो आएगा वो शेडिंग में है। तो फिर ये काम कैसे करता है, आपने उसके बॉडी के ऊपर डाला है और ये जो भी स्पॉटन प्रिपरेशंस हैं ये जो सिर्फ स्किन में जा करके रहते हैं, और इनका लगभग ड्यूरेशन आप एक्शन जो होता है 30 days का होता है। इनकी मेकानिज्म अगर आप बात करेंगे ना, तो आपने एक जगह स्पॉटन डाला है तो ये स्किन के अंदर स्प्रेड करता है, यानी कि ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, और ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं लगभग लाइपोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं। तो जो सीबेसियस फॉलिकल्स या सीबेसियस ग्लैंड हैं वहाँ पे जा करके हेयर फॉलिकल्स के लिपिड लेयर में ये एक्यूमुलेटेड रहते हैं, और फिर वहाँ से धीरे धीरे रिलीज होता है और कई दिनों तक रिलीज होते रहता है, जितना उसका स्ट्रेंथ होता है लगभग 1 महीने तक। और जब भी टिक्स या फ्लीज आते हैं उसको खाते हैं, फिर वो उसको खाते ही वहाँ से शक करने के दौरान मर जाते हैं या रिपेल हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था
कि ये बॉडी के अंदर रहना है, और मैं कह रहा था कि फ्लीज भी जो अपने एग लेइंग करेगा वो एक जा करके कारपेट में या शेडेड एरिया में, जो जहाँ पे आपका पेट रहता है उस एरिया में अपने अंडे से फिर डेवलप होता है। तो ये डेवलपिंग स्टेज को रोकेगा कैसे? ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे ये जो इनके डेवलपिंग स्टेज होते हैं फ्लीज के, वो जो डर्ट होता है फ्ली का या आपके पेट के स्किन से शेड करके जो एक्सक्रीटा आता है, उसके स्क्रब आता है स्किन का, उसको खा के डेवलप करता है। और उस स्क्रब में स्किन का जो भी एक्सक्रीटा है या स्क्रब है उसको अगर वो खाएगा, उसमें ये एस्मेथोप्रिम और फिप्रोनील भी रहता है, यानी कि उस डेवलपिंग स्टेज को वहाँ इस तरह से ये मार देता है। लेकिन कुछ अभी कंबाइंड ऐसे आए हैं कि एक स्टेज में ही भी अलार्मिसाइडल तो है, लेकिन डेवलप अगर एक उसने बॉडी के ऊपर दिया है तो वहीं से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उस तरह से जैसे इमिडाक्लोप्राइड की अगर आप बात करेंगे, तो इमिडाक्लोप्राइड इतना पोटेंट होता है कि वो जब बॉडी पे फ्ली ले एग ले करती है, उसी समय उस एग को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो फिप्रोनील के साथ एस्मेथोप्रिम और पारीप्रोक्सिफेन का कॉम्बिनेशन हेल्पफुल है, और ये फ्ली कंट्रोल के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। जब एस्मेथोप्रिम के साथ अगर आप देखेंगे, तो अब कंपनियां हैं जो अलग अलग करना चाहती हैं, सिर्फ एस्मेथोप्रिम ही क्यों, पारीप्रोक्सिफेन क्यों नहीं आए? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विवेक कंपनी है, वो इफिटिक्स नाम की एक एस्पोटन लाई है, इसमें आपको फिप्रोनील, परमेथ्रिन और पारीप्रोक्सिफेन मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि परमेथ्रिन एक ऐसा सॉल्ट है जो हमेशा एस्पोटन के साथ कंबाइन किया जाता है, जैसा कि डेल्टा मेथ्रिन है या साइप्रोमेथ्रिन है, सारे के सारे पैराथायरॉइड्स हैं, बट उनको साइड बाय साइड कर दिया गया, लेकिन परमेथ्रिन को अभी भी एस्पोटन के साथ रखा गया है, क्योंकि ये परमेथ्रिन की इतनी अच्छी क्वालिटी है कि ये लाइपोफिलिक है और परसिस्ट करता है स्किन में, यानी कि इसकी परसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। ये ना सिर्फ एकेरिसाइड है, एकेरिरिपेलेंट भी है, ये टिक्स को अपने से दूर भी भगाता है। तो अगर आपको परमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन फिप्रोनील के साथ मिलता है तो यह एक बेहतर ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इफिप्रो डिओ करके एक आता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ फिप्रोनील और पारीप्रोक्सिफेन है, लेकिन बाकी के जो स्पॉटन प्रिपरेशन है उसमें फिप्रोनील और एस्मेथोप्रिम के साथ आता है। तो आपको कितना लेवल का पोटेंसी है, किस लेवल का टिक इन्फेस्टेशन है, उसके बेसिस पे आपको जज करना है कि आपको टिक्स को डिस्ट्रॉय करना है। अगर टिक्स को डिस्ट्रॉय करना है तो आप परमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन लीजिए, अगर आपको फ्लीज कंट्रोल करना है तो आप एस्मेथोप्रिम के कॉम्बिनेशन लीजिए, या सिर्फ और सिर्फ आप फ्ली कंट्रोल करने के लिए फिप्रोनील और पारीप्रोक्सिफेन का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे के सारे स्पॉटन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट आते हैं, तो आप बॉडी वेट देखना ना भूलें। जैसा कि मैं कह रहा था कि इमिडाक्लोप्राइड ये एक नियोनिकोटिनोइड ग्रुप का एकेरिसाइड और इंसेक्टिसाइड आप कह सकते हैं। अगर इमिडाक्लोप्राइड के कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे पास मार्केट में कई प्रिपरेशन है। एकेरिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने में सबसे अगर टॉप मोस्ट कंपनी माने तो उसमें बायर आती है। बायर के पास लगभग हर तरह का कॉम्बिनेशन है। आगे पीछे भी हम लोगों ने देखा कि बैंड में भी उसके पास कई ऑप्शंस थे। आप देखेंगे कि इमिडाक्लोप्राइड एक पोटेंट लार्विसाइडल आप कह लीजिए या ओविसाइडल कह लीजिए वो है, तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ ये जो आपका बैर है, ये तीन कॉम्बिनेशन के साथ आता है। एक तो पहला इन्होंने कम्बिनेशन बनाया है एडवेंटिक्स के नाम से, इसमें इमिडाक्लोप्राइड और परमेथ्रिन है। परमेथ्रिन की हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये पोटेंशियल है, तो इन्होंने इमिडाक्लोप्राइड के साथ परमेथ्रिन का कम्बिनेशन यूज किया है। दूसरा इनका एक कम्बिनेशन आता है K9 एडवेंटिक्स 2, इसमें इमिडाक्लोप्राइड, परमेथ्रिन और पारीप्रोक्सिफेन है। पारीप्रोक्सिफेन फिर यहाँ पे आपको वो इंसेक्टिसाइड ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करेगा। तो तीन का कॉम्बिनेशन भी इनके पास है, और ये तीन अगर जब आप कंबाइन कर देते हैं तो ये फ्लाइज को भी रिपेल करता है, क्योंकि इसमें परमेथ्रिन है, टिक्स को भी मारता है, फ्लीज को भी मारता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे
तो इमिडाक्लोप्राइड परमेथ्रिन है तो टिक्स फ्लीज फ्लाइज और लाउस और फ्लाइज सारे के सारे लगभग कंट्रोल हो जाते हैं। तो सिर्फ एक्टोपैरासाइट को ही मारना जरूरी नहीं है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि एक और कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें कि वर्म्स को भी कंट्रोल करना हो, हार्ट बम को भी कंट्रोल करना हो और फ्लीज को भी कंट्रोल करना हो। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रिपरेशन बनाया है स्क्वाड्रॉन दैट इज कॉल्ड एज एडवोकेट। एडवोकेट में अगर आप देखेंगे तो इसमें मॉक्सीडेक्टिन है, साथ में इमिडाक्लोप्राइड है। मॉक्सीडेक्टिन उस ग्रुप का है जो हार्ट बम एज वेल एज राउंड वर्म्स पे भी काम करता है। तो अगर आप एक साथ इंडो एक्टोपैरासाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप एडवोकेट यूज कर सकते हैं और ये भी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग टू आता है मार्केट में। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन है एस्पोर्टन में, इसको भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। मार्केट में और क्या पॉसिबल है, एक प्रिपरेशन आता है जिसे हम लोग सेलामेक्टिन कहते हैं। तो सेलामेक्टिन का प्रिपरेशन जो है मेनली ये स्कैबीज के लिए प्रोटेक्ट रखा गया है और स्कैबीज में इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होता है और स्कैबीज कंट्रोल को और मेंज के कंट्रोल के लिए और राउंड बॉम के कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाना चाहिए। बट इनके पास एकेरिसाइडल एक्टिविटी भी है। तो अगर आप इस प्रिपरेशन के सेलामेक्टिन की बात करें तो फाइजर कंपनी जिसे जोइटिस भी कहते हैं, इसके पास दो ऑप्शन है। कैट्स के लिए 6% बनाता है रिवोल्यूशन के नाम पे और डॉग्स के लिए 12% बनाता है। तो कैट्स वाला 6% है यानी कि 60 mg/ml उसमें रहता है। डॉग्स का जो भी प्रिपरेशन है उसमें 120 mg/ml रहता है। अगर डोज रेट की बात करें, रिक्वायर्ड डोज रेट की, तो 6 to 12 mg/kg वेट से सेलामेक्टिन दिया जाता है और ये मेनली फेलाइन स्कैबीज और कैनाइन स्कैबीज उसके लिए प्रोटेक्ट किया यूज किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप हुकबम के लिए भी कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल आप राउंड बम के लिए भी कर सकते हैं, लाइस के लिए भी कर सकते हैं, माइट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो सेलामेक्टिन एक अच्छा ऑप्शन है और अगर आप रिवोल्यूशन जो फाइजर कंपनी या जोइटिस की प्रोडक्ट है उसमें कई रेंज हैं। कैट्स के लिए भी अगर आप देखेंगे तो हर बॉडी वेट के अनुसार से अलग अलग रेंज में अलग अलग प्रिपरेशन है। लेकिन एक और कंपनी है जो सेलामेक के नाम से बनाती है, इसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है और इसका जो परसेंट है 6% का है और इसका 2 ml, 1 ml और 0.5 ml का ही प्रिपरेशन है। उससे आपको कैट्स में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट देना मुश्किल होता है। कभी कभी इसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है ओवरडोजिंग के चलते, इसलिए इस प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस्तेमाल करें जब तक कि प्रॉपर बॉडी वेट आपके पास ना हो या इसका उस कैलकुलेशन के अनुसार से एग्जैक्ट डोज के अंदर ये नहीं आता हो। तो बेहतर है आपके पास रिवोल्यूशन के कई कलर फॉर्म भी हैं, कलर के अनुसार से बॉडी वेट को दिया जाता है। इसी रिवोल्यूशन का अनदर नाम स्ट्रॉन्ग होल्ड के नाम से भी आता है। सेम कॉम्बिनेशन है, जोइटिस ही बनाती है, फाइजर ही बनाती है। एक और प्रिपरेशन है जिसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं और इसमें अगर आप देखेंगे ये MSD कंपनी का है, तो ये परमेथ्रिन है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेथ्रिन का एस्पोर्टन प्रिपरेशन है। तो ये परमेथ्रिन आपको टिक्स से भी कंट्रोल करता है, साथ फ्लाइज से भी कंट्रोल करता है, मॉस्किटो से भी, लाइस से भी और फ्ली से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप रिक्वायरमेंट के अनुसार से। एक और कॉम्बिनेशन है जिसे प्रोमेरिस कहते हैं, ये इंडिया में उपलब्ध नहीं है। इसमें एक अलग साल्ट है मेटफ्लुमाजन जोन करके होता है जो अमित राज के साथ कंबाइन करके इसमें है, लेकिन ये अपने यहाँ नहीं है तो हम लोग इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। अब रही बात कि क्या कुछ ओरल दवाएं हैं जो फ्लीज और टिक्स कंट्रोल के लिए काम की जा सकती हैं, तो हाँ हैं। अगर फ्ली कंट्रोल की बात करें तो सिर्फ एक दवा है जिसे स्पाइनोसेट कहते हैं और ये स्पाइनोसेट अमोनियोग्लाइकोसाइड भी कहे जाते हैं क्योंकि ये सैक्रो पॉलीस्पोरा स्पाइनोसा नामक बैक्टीरिया जो सॉयल बैक्टीरिया है उसके फर्मेंटेशन से ये बना है। और ये इसके काम करने का जो तरीका है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये भी नियोनिकोटिनोइड जो जैसे एमिडाक्लोप्राइड है उसी के तरह निकोटेनिक एसिटाइल कोलिन कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं उन पे वर्क करता है और ये एक पोटेंट फ्लीसाइडल है यानी कि फ्ली कंट्रोल के लिए एक बेहतर ड्रग है और बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है।
इसका जो डोज रेट है वो डॉग्स में 45 टू 70 एमजी पर केजी बॉडी वेट से दिया जाता है और कैट्स में लगभग 5 एमजी ज़्यादा के रेंज में रखते हैं, 50 टू 75 एमजी पर केजी के अनुसार से दिया जाता है। अगर आप च्यूएबल टैबलेट की बात करें तो ये कॉम्फोर्टिस के नाम से आता है स्पाइनोसेट, और ये कॉम्फोर्टिस जो है 90 एमजी से लेकर के 1620 एमजी तक यानी कि 1620 एमजी तक का मार्केट में अवेलेबल है, और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पेट के लिए कौन सा सूटेबल है। लेकिन इसकी भी इफिकेसी अगर बात करें तो 1 मंथ की ही है, एक टैबलेट सिर्फ 1 महीना तक आपके पेट को प्रोटेक्शन देता है और 1 महीने के बाद आपको रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका कॉम्बिनेशन भी आज मार्केट में आजकल उपलब्ध है, अगर आप देखेंगे तो स्पाइनोसेट के साथ मिल्वेमाइसिन ऑक्सिन कंबाइन कर दिया गया है। इसका एडेड एडवांटेज ये होता है कि ये हार्ट बम पे भी फिर काम करता है और हार्ट बम का भी प्रिवेंशन करता है, और फ्लीज के लिए और इंटेस्टाइनल वॉर्म्स जो राउंड वॉर्म हैं उनमें मिल्वेमाइसिन के चलते इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो पेनोरमिस और ट्राइफेक्सिस के नाम से मार्केट में उपलब्ध है या कॉम्फर्टिस प्लस के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। तो स्पाइनोसेट च्यूएबल अलॉन्ग विथ मिल्वेमाइसिन ऑक्सिन अगर आप देना चाहते हैं तो ये फ्लीज और हार्ट बम और इंटेस्टाइनल वॉर्म तीनों से निजात पा सकते हैं और 1 महीने के लिए ये फ्ली कंट्रोल कर देगा। जो बड़ा ही मेजर इम्पैक्ट देने वाला एकरिसाइड कहा जाता है उसे आइसोक्सलाजोलिन कहते हैं। ये रिसेंटली ये सिंथेसाइज हुआ है सॉल्ट और ये मार्केट में इसका डिस्कवरी लगभग 2016 में हुआ था और रिसेंटली मार्केट में अवेलेबल हो गया है, और 3 मेजर कंपनियां हैं जिनका ये सॉल्ट आता है। और इसको अगर बात करें तो ये हाईली सेलेक्टिव एक्टोपैरासिटिसाइडल एक्टिविटी है और इसका मैकेनिज्म भी वैसे ही है जैसे बाकी के इंसेक्टिसाइड करते हैं, लेकिन ब्लॉकिंग ऑफ गामा अमीनो बेंजोइक एसिड गाबा एंड ग्लूटामेट लिगेट गेटेड क्लोराइड चैन को ये अल्टर करता है और एकारिसाइडल एक्टिविटी दिखाता है। अगर आइसोक्सलाजोलिन की हम लोग बात करें तो ये च्यूएबल टैबलेट्स हैं, ये च्यूएबल फॉर्म में उपलब्ध हैं। 3 कंपनियां इंडिया में मार्केट करती हैं, एक जो MSD है वो ब्रेवेक्टो के नाम से करता है, दूसरा फाइजर सिंपरिका के नाम से करता है, मेरियल नेक्सगार्ड के नाम से करती है। तीनों कंपनियों की अलग अलग साल्ट हैं लेकिन तीनों भी एक ही ग्रुप में आते हैं और इनकी इंसेक्टिसाइडल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और बहुत ही पोटेंट माने जाते हैं। इनमें से अगर आप बात करेंगे कि कौन सा बेहतर है, कितने दिन के लिए है, किसका इस्तेमाल करना चाहिए किसका नहीं, तो आपको जज करना है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ब्रेवेक्टो, तो ब्रेवेक्टो में जो सॉल्ट है वो है फ्लोरालेनर जो है वो एक पोटेंट एकरिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों ही है, और ये टिक्स एज वेल एज फ्लीज को बड़े आराम से किल करता है और इसका इम्पैक्ट विद इन ए डे आने लगता है। अगर इसकी डोज रेट की फ्लोरालेनर की बात करें हम लोग तो 25 से 56 एमजी पर केजी बॉडी वेट के अनुसार से दिया जाता है। एक बड़ी सी च्यूएबल टैबलेट होती है इसमें जो बहुत ही अच्छी पैलेटेबल है। इसका अगर रेंज आप देखेंगे तो ये 2 केजी से लेकर 4.5 केजी बॉडी वेट के लिए, 4.5 से 10 केजी बॉडी वेट के लिए, 10 से 20 केजी के लिए, 20 से 40 केजी के लिए और 40 से 56 केजी के लिए उपलब्ध है मार्केट में। यानी कि 12.5 एमजी का भी है मार्केट में, आप 250 एमजी का है, 500 एमजी का है, 1000 एमजी का है और 1400 एमजी का मार्केट में ब्रेवेक्टो उपलब्ध है, और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट आप यूज इसे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के बाद इसकी बॉडी में रिटेंशन जो है 90 डेज की है। कंपनी क्लेम करती है कि 112 डेज तक बॉडी के अंदर रहता है लेकिन ये 90 डेज तक टिक्स से फ्री रखता है, यानी कि 3 महीने तक लगभग आपको टिक्स एंड फ्लीज से इसे निजात मिल जाता है। तो सिर्फ ये दवा जो है टिक्स एंड फ्लीज में ही काम नहीं करती है, ये लगभग सारे एक्टोपैरासाइट्स पे काम करती है, और इसका जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इट्स ए गुड पोटेंट एकारिसाइडल ऑल्सो, और ये डेमोडेक्टिक मेंज में बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ में अगर आप देखें तो सेरोलेनर जिसमें रहता है सिंपरिका, इसका जो डोज रेट है ये इसी ग्रुप का है, ये 2.4 एमजी का है, 2 to 4 एमजी पर केजी वेट के अनुसार से दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो 5 एमजी, 10 एमजी, 20
20 mg, 40 mg और 80 mg में आता है। और इसका जो इफेक्ट है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मैक्सिमम डेज तक प्रोटेक्शन है, 35 डेज का है। दोनों में डिफरेंस डेज का है, ये 35 डेज के बाद आपको रिपीट करना पड़ेगा, जबकि ये आपको 3 मंथ्स के बाद रिपीट करना है। ये जो दवाई है जो सिंपरिका आती है, इसका फ्लेवर जो है लीवर फ्लेवर है, तो इसकी पैलेटेबिलिटी अलग है। दूसरा जो नेक्स्ट गार्ड के नाम से आता है, फक्सलेनर जिसे कहते हैं, इसका भी डोज रेट अगर आप देखेंगे तो 2.7 to 7.7 mg पर के जो वेट के अनुसार से दिया जाता है, और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ये मार्केट में उपलब्ध है। आप अपने डॉग के वजन के अनुसार से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको प्रिपरेशन देना है। जितने भी आइसोक्सिक्लिन है, ये नेक्स्ट गार्ड सिर्फ 30 डेज के लिए प्रोटेक्शन देता है, सिंपरिका 35 डेज के लिए देता है, ब्रेवेक्टो 90 डेज के लिए देता है। इसमें अगर आप फ्लेवर नेक्स्ट गार्ड की बात करेंगे तो ये बीफ फ्लेवर है, बीफ फ्लेवर के चलते उतना पैलेटेबल नहीं है, जबकि सिंपरिका लीवर फ्लेवर है तो इसकी पैलेटेबिलिटी ज़्यादा है। एक्शन लगभग सबका एक जैसा है और इनका रिपीटिशन का ड्यूरेशन भी अलग अलग है। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो इनमें जेनरली अगर गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लेकिन मेजर जो साइड इफेक्ट है वो कंसर्न का है, वो है कभी कभी सीजर्स आते हैं। लेकिन सीजर्स जो आते हैं वो मैनेजेबल होते हैं, अगर आपको पता चल गया है कि इसके देने के बाद सीजर्स आ रहे हैं, देन यू कैन मैनेज बाय द एंटी सीजर मेडिसिन और वहाँ पर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को पहले से ही सीजर आ रहा है, उस एनिमल में इन मेडिसिन को, आइसोक्सिक्लिन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सीजर का थ्रेशोल्ड ये कम कर देते हैं और सीजर आने के चांसेस फ्रीक्वेंसीज में ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे एनिमल जो जिनको सीजर्स आता हो उनमें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये मेडिसिन जो है 3 वीक्स से कम के एनिमल को नहीं देना चाहिए। कंपनियां कहती हैं कि 2-8 वीक के कम को बाद आप दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 3 वीक्स से पहले ये मेडिसिन आपको रिकमेंड नहीं करना चाहिए, 3 वीक्स के बाद के एनिमल को रिकमेंड करना चाहिए। ये कंपनियां ये भी क्लेम करती हैं कि ये लैक्टेशन और उसमें भी सेफ है, बट इसकी कोई रिलायबल रिपोर्ट नहीं है। तो अगर लैक्टेटिंग एनिमल है या एनिमल जो पेट है वो प्रेगनेंसी में है, उस कंडीशन में आपको प्रिकॉशियस होना पड़ेगा, आपको सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई वैलिड साइंटिफिक रिपोर्ट इसके लिए नहीं है कि प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं है। इन लोगों ने जो भी रिसर्च किए हैं वो रैबिट में किए हैं, उन्होंने बताया है कि कोई टेराटोजेनिसिटी नहीं है, लेकिन ये पोटेंट एकेरिसाइड्स हैं। लेकिन जो किड्स होते हैं या किटेंस होते हैं या जो पपीज होते हैं, उनका ब्लड ब्रेन बैरियर उस तरह से डेवलप नहीं होता है, उसमें किस लेवल में टॉक्सिसिटी करेगा इसके बारे में अभी हम लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो ये हो गया आइसोक्सिक्लिन जो च्यूएबल फॉर्म में है, जिसे बड़े आराम से खिलाया जा सकता है और टिक्स, फ्लेज और एक्टोपैरासाइट से कुछ दिनों के लिए मुक्ति पाई जा सकती है। अब रही बात, कंपनियां एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, चाहते हैं कि हम कुछ नया करें, पहले च्यूएबल आया, उसके बाद से फिर से इसका एस्पोर्टन आया। अगर आप देखेंगे तो अभी इंडिया में तो नहीं, लेकिन ब्रेवेक्टो का बाहर में एस्पोर्टन प्रिपरेशन भी उपलब्ध है। तो एस्पोर्टन प्रिपरेशन अगर आप देखेंगे तो एस्पोर्टन का एक ड्रॉबैक बेनिफिट भी है, जैसे आप ओरल वाला खिलाएंगे तो गैस्ट्राइटिस होने के चांस थे, लेकिन अगर आप उसको एस्पोर्टन डालेंगे तो वॉमिटिंग नहीं होगा, वॉमिट नहीं होगा तो दवाई पूरी तरह से उसके स्किन पे ही रहेगी, वहां से एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद पूरे बॉडी में काम करेगी। लेकिन ये ब्रेवेक्टो जब एस्पोर्टन में दिया जाता है तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट हो जाता है, यानी 3 महीने तक फिर ये काम नहीं करता है। तो ऐसा रिसर्च है कि ये एस्पोर्टन जो प्रिपरेशन है उसका ड्रॉबैक ये है कि ये इसके लंबे समय तक काम नहीं करता है। तो नया कुछ करना था, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो आइसोक्सिक्लिन्स हैं उसमें सिंपरिका जो था वो एकेरिसाइड भी है और साथ ही साथ वो पोटेंट माइट को भी किल करने में हेल्पफुल है। तो इसका एक कम्बिनेशन में मेडिसिन अवेलेबल है, वो है रिवोल्यूशन प्लस करके स्पोर्टन अब आने लगा है, जिसमें सेलामेक्टिन और सेरोलेनर दोनों कम्बिनेशन में आता है। मैं कह रहा था कि ये स्कैबिज के लिए पोटेंट है, सेलामेक्टिन भी स्कैबिज के लिए अच्छा है। तो अगर आपको स्कैबिज, फिलाइन स्कैबिज ट्रीट करना है तो आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है रिवोल्यूशन प्लस, आप इसे इस्तेमाल
कर सकते हैं। इसी तरह से और भी आगे जाने के लिए फाइजर वालों ने क्या किया कि सेरोलेनर, मॉक्सीडेक्टिन और पायरेंटल कंबाइन कर दिया है। अब पायरेंटल यहाँ कंबाइन करने से यहाँ पे क्या था, आपको बेनिफिट ये था कि आप इक्टोपेरासाइट्स को लगभग खत्म कर रहे हैं, लेकिन पायरेंटल के कंबाइन करने से यहाँ पे आपको राउंड वर्म से भी निजात मिल जाएगा, हुक वर्म से भी निजात मिल जाएगा, हार्ट वर्म से भी निजात मिल जाएगा, टिक्स एंड फ्लीज से मिल जाएगा। तो नया जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में आया है वो है सिम्परी का ट्रायो। इसमें तीन प्रोडक्ट हैं, सेरोलेनर है, मॉक्सीडेक्टिन है, पैरेंटल है, और तीनों के कम्बिनेशन इफेक्ट से लगभग इक्टो एंडोपेरासाइट गायब हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप मेरियल की बात करेंगे तो इसने कंबाइंड किया नेक्सगार्ड स्पेक्ट्रा के नाम से लाया है, और इसने भी दो ड्रग को कंबाइंड कर दिया है जिससे कि एपॉक्सोलेनर और उसके साथ में इसने मिल्वेमाइसिन ऑक्सिन को कंबाइंड किया है। जब भी मिल्वेमाइसिन ऑक्सिन को आप कंबाइंड करेंगे तो ये ओरली देना पड़ेगा, यानी कि ये ओरल च्यूएबल नेक्सगार्ड स्पेक्ट्रा के नाम से है। तो मिल्वेमाइसिन ऑक्सिन को ऐड करने से एक बेनिफिट इसको मिल गया कि टिक्स एंड फ्लीज को कंट्रोल तो करेगा ही, साथ में ये हार्ट वर्म और राउंड वर्म को भी मार देगा। तो ये आपको चूज करना है कि कौन सा मेडिसिन कहाँ करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये अब तक अवेलेबल मेडिसिन हैं जो इंडिया में उपलब्ध हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे क्या ये स्पॉटन किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एनिमल स्मॉल है, ये जो प्रिपरेशन है मैं उस प्रिपरेशन की स्पॉटन प्रिपरेशन है। जनरली आप एसमेथोप्रीम और फिप्रोनील अप्लाई करते हैं तो सिर्फ शोल्डर ब्लेड्स के बीच में जस्ट बिहाइंड द नेक एक स्पॉट पे यूज किया जाता है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप ओरल भी दे सकते हैं, जिनके एब्जॉर्ब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ब्रेवेक्टो हो गया, सिलामेक्टीन हो गया, इनको आप मल्टीपल प्लेस पे यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ही छोटा डॉग है तो एक शोल्डर ब्लेड्स के बीच में यूज कीजिए और एक टेल पे यूज कीजिए। होता क्या है कि यहाँ से स्प्रेड करके अगर एक पॉइंट पे आपने डाला है, लार्ज ब्रीड है, तो यहाँ से स्प्रेड करके इधर आएगा लेकिन डिस्टल पॉज तक वो नहीं आ पाता है। उसकी स्प्रेडिंग जब तक यहाँ आता है तब तक इसकी एफिकेसी कम हो जाती है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि यहाँ पे उसको स्पॉट डालने के पीछे रीजन क्या है। यहाँ इसलिए डाला जाता है कि वहाँ से एनिमल उसको लिक नहीं कर पाता है, तो शोल्डर ब्लेड पे डॉग कभी भी अपना लिक नहीं कर पाते हैं। तो शोल्डर ब्लेड और उसके ऊपर आप दो स्पॉट पे या चार स्पॉट्स पे, लार्ज ब्रीड है तो उसके अकॉर्डिंगली चार स्पॉट पे डालेंगे, लेकिन उन स्पॉट उनको डालेंगे जिनको लिक करने से परेशानी नहीं होती है, कोई परेशानी वो उसको टॉक्सिसिटी नहीं होती है, यानी कि जो ब्लड में अब्जॉर्ब होके जाना है, जो सिर्फ और सिर्फ स्किन में रहना है, उसको बैक पे पीछे की तरफ अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज अगर एनिमल लिक करेगा तो उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है जो सिर्फ स्किन में रहता है। इसी तरह से अगर कैट्स में स्पॉटन डालना है तो जस्ट बिहाइंड द नेक डाला जाता है, इनमें शोल्डर ब्लेड्स पे भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये अपने शोल्डर ब्लेड्स पे भी लिक कर लेती हैं। तो हमेशा आप जस्ट बिहाइंड नेक डालें। अगर बड़ी कैट है 6.25 केजी से ज़्यादा है तो यहीं पे दो स्पॉट पे डाल सकते हैं, लेकिन सिंगल स्पॉट 6.25 केजी के लिए सफिशियंट है अगर आप कैट्स में डालते हैं तो। और क्या आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उसमें, आपको हमेशा अगर जब भी आप फ्ली कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये मैं कह रहा था कि जो फ्लीज होते हैं हमेशा ही ये इनके जो डेवलपिंग स्टेज होते हैं आपके सोफाज में या आपके कारपेट है उसके नीचे डेवलप करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर वैक्यूमिंग होना बहुत ज़रूरी है। वैक्यूमिंग करने से दो फायदे होते हैं, एक तो इनके जो डेवलपिंग स्टेज होते हैं वो सक हो जाते हैं, साथ ही साथ जो ये वैक्यूम का वाइब्रेशन होता है इससे जो प्यूपल स्टेज है वो एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्यूपा है वो दो तीन चीज़ों को, फ्ली का प्यूपा जो है वो दो तीन चीज़ों को डिटेक्ट करता है, एक ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, CO2 लेवल और वाइब्रेशन, यानी कि पेट आपका डॉग वहाँ से चल के जाता है तो वाइब्रेट करता है, उसके CO2 लेवल को डिटेक्ट करता है, उसके बॉडी से हीट जनरेट होता है उसको डिटेक्ट करता है, और वो कोकून से रिलीज हो करके एडल्ट स्टेज में आता है। तो अगर आप वैक्यूमिंग करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होता है कि उसको वाइब्रेशन फील होता है और जो कोकून बना हुआ है फ्ली का वो रिलीज हो करके एडल्ट में आता है, फिर वो जब डॉग के ऊपर, बॉडी के ऊपर जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप स्पॉटन यूज़ करते हैं तो
फ्रीक्वेंट बादिंग नहीं देना चाहिए। बादिंग देने से क्या नुकसान है, जैसा कि मैं कह रहा था, जो स्पॉटर्न सिर्फ स्किन में रहते हैं, सुपरफिशियल लेयर में रहते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो अगर आप फ्लसिंग ज़्यादा करेंगे, फ्रीक्वेंट बादिंग ज़्यादा देंगे, तो सुपरफिशियल लेयर जो है वो रिमूव हो जाता है, और सुपरफिशियल लेयर जब रिमूव होगा तो उसके साथ साथ वो मेडिसिन भी निकल जाती है, और फिर उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोटीन नहीं रहता है। खास करके अगर आप शैम्पूज की बात करें तो शैम्पूज में जो फॉलिकुलर फ्लसिंग के लिए शैम्पूज आते हैं जिनमें बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, वो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप टिक्स एंड फ्लीज के लिए स्पॉटन यूज़ किए हैं तो। अगर उसको करेंगे तो फॉलिकुलर फ्लसिंग कर देगा और पूरा का पूरा वहाँ से केमिकल को निकाल देगा, और फिर आपका जो पेट है वो ससेप्टेबल होगा। तो बेंजोइल पेरोक्साइड वाले जो भी शैम्पू हैं, जैसे कि पेटबेन हो गया, सलवेंज पेट हो गया, सिवोलाइटिक हो गया, कई तरह के शैम्पू आते हैं, इन शैम्पूज को जब तक फॉलिकुलर फ्लसिंग नहीं करना हो तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल बाथिंग के लिए भी इन शैम्पूज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर मैं अपने स्टूडेंट को कहूँगा कि ध्यान दें कि कौन सा शैम्पू कब यूज करना है, अदरवाइज आँख बंद करके कोई भी शैम्पू प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, उससे नुकसान भी हो सकता है। अगर फॉलिकुलर फ्लसिंग वाले शैम्पू अननेसेसरी यूज किए जाएंगे तो उसके अनटॉवर्ड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस, और मैं आगे भी आपको ऐसे वीडियो लाते रहूँगा और आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।